तो देखिए, ये है मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके घर में देने आता है बंदा। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन में आ जाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है। चलिए आ जाते हैं। तो देखिए, अपनी मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नेम लिखा होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम लिखा होता है कि आपका बिल कब जनरेट किया गया है। फिर उसके नीचे आपका ये बिल नंबर होता है, फिर उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम डेट, टू डेट और ड्यू डेट और डिस्कनेक्शन डेट। तो ये सारी डेट्स आपकी लिखी होती हैं। फिर देखिए, मेन चीज़ यहाँ पर रही है डिवीजन नेम। डिवीजन नेम वो हेड ऑफिस होता है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, मेन बोर्ड। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब डिवीजन नेम। सब डिवीजन आपके घर के आसपास होता है जहाँ पे अपना कैश में बिल जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन भी बिल जमा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये 12 अंकों का अकाउंट नंबर होता है जो आपको बिल भरने में मदद करता है। यही अकाउंट नंबर डाल के आपको अपना बिल भरना है। चलिए अब दूसरे पेज पर आ जाते हैं, फिर दिखाता हूँ क्या करना है। चलिए आ जाते हैं। तो देखिए, अब हम बिल के दूसरे पेज पर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर के बाद यहाँ पे SCNO नंबर लिखा होता है आपका, फिर यहाँ पे आपका नेम होता है, यहाँ पे फादर्स नेम होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस होता है आपका। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CAT और ST। देखिए यहाँ पे CAT का मतलब ये होता है, देखिए CAT दो तरह के होते हैं, LMB1 और LMB2। LMB1 होता है डोमेस्टिक के लिए, LMB2 होता है कमर्शियल के लिए। ST, देखिए ST भी दो तरह के होते हैं, एक होता है 10 और एक होता है 20। 10 होता है डोमेस्टिक के लिए और 20 होता है कमर्शियल के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका लोड लिखा हुआ है, लोड देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका मीटर नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट रीड डेट कि मीटर कब रीड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट किलोवाट, इसका मतलब ये है कि आपकी की जो रीडिंग ली गई है वो कितनी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट यूनिट कितना है, जो आपका जब मीटर बिल जनरेट होगा तो आपकी करंट यूनिट होगी 1 महीने की। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे आपकी टोटल यूनिट होती है। फिर देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये इस बिल में ये है कि आपकी करंट यूनिट और रिकॉर्डेड डिमांड। रिकॉर्डेड डिमांड ये होता है कि देखिए आपने कनेक्शन ले रखा है 1 किलोवाट का, अगर उससे ऊपर जाता है तो यहाँ पे वो लिखा होता है रिकॉर्डेड डिमांड। अब देखिए यहाँ पे बिल बेसिक लिखा हुआ है MU। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है EC। EC मतलब जितना भी आपने यूनिट यूज़ किया गया है, आपका जितने रुपए यूनिट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करके पूरा बिल यहाँ पे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिक्स चार्ज आपका लिखा होता है यहाँ पे, फिर इसके नीचे यहाँ पे सरचार्ज 0 है। अब इसके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा डिमांड पेनल्टी। अगर देखिए अगर आपकी जितनी डिमांड है अगर आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। और देखिए फिर एक्स्ट्रा डिमांड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए आप जैसे नीचे जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है ED। ED का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिमांड चार्ज। तो देखिए अब तीसरे पेज पर आ जाते हैं, फिर दिखाता हूँ क्या करना है। चलिए आ जाते हैं। तो देखिए अब हम तीसरे पेज पर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अमाउंट। देखिए करंट अमाउंट का मतलब ये है कि जितना भी आपका इस महीने का बिल बना है तो वो आपको इतना ही भरना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको अमाउंट पेबल इतना अमाउंट बनता है आपका। अब देखिए जैसे ही आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट के अंदर अमाउंट पे करेंगे तो आपको इतना भरना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पे डेट और लास्ट पे अमाउंट। तो जितना भी आपका लास्ट पे डेट और लास्ट पे अमाउंट होगा वहाँ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो एक तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। चलिए मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।